ब्रेड बनाने के लिए जिस टिन का हम यूज़ करेंगे उस टिन को सबसे पहले हमें ग्रीस करके लेना है बटर से, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा हमें मैदा छिड़क के उसे मैदे से कोट करके लेना है। इससे हमारा ब्रेड टिन को चिपकेगा नहीं, वो इजीली डीमोल्ड हो पाएगा। नेक्स्ट हमें 3 केला लेना है, और ये केला बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए, और उसे इस तरह से छोटा कट करके हमें मैश करके लेना है फोर्क की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें एक बाउल में बटर लेना है, तो ये आधा कप बटर है, लगभग 110 ग्राम बटर है। इसमें हम पाउडर शुगर लेंगे, तो ये 3/4 कप पाउडर शुगर है, लगभग 150 ग्राम शुगर ली है यहाँ पे मैंने, और इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये जो बनाना ब्रेड है ये बहुत इजी ब्रेड है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर की आवश्यकता होती नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इस स्टेज पर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे टोटली अवॉइड भी कर सकते हो। बस हाथ से ही इसे अच्छे से मिक्स करते रहना क्रीमी कंसिस्टेंसी आने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छे से क्रीमी हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 2 अंडे मिलाएंगे और इसे कंटिन्यूसली और थोड़ी देर बीट करते रहेंगे कुछ सेकेंड्स तक। इसमें अब हम थोड़ा सा वैनिला एसेंस ऐड करेंगे। तो ये मिक्सचर बहुत ही क्रीमी और फ्लफी हो चुका है। इसमें अब हम हमारे मैश किए हुए बनानास को ऐड करेंगे, और इसी में अब हम मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, यानी कि लगभग ये 170 ग्राम तक है। इसमें अब हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, तो बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे स्पून की मदद से। तो यहाँ पे हमें एक फाइनल मिक्स देना है अच्छा इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। यहाँ पर मेरे पास है इलेक्ट्रिक बीटर, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड करें और हाथ से इसे मिक्स करें। इसके बाद मैं स्पैचुला की मदद से साइड्स इसके स्क्रैप कर लूँगी अच्छे से, और फिर इसमें हम अखरोट ऐड करेंगे, वॉलनट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर वॉलनट्स आपको आपके टेस्ट के मुताबिक ही यूज़ करने हैं। वॉलनट्स और बनाना का टेस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ब्रेड को, इसलिए हमें यहाँ पे वॉलनट्स यूज़ करने हैं। तो हमारा ये ब्रेड का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमारा टिन लेंगे और उस टिन में ये बैटर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस ब्रेड को आपको बेक करना है प्रीहीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 50-55 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपको उसे ओवन में ही रखना है 10 मिनट के लिए, और फिर अगेन बाहर निकालने के बाद भी आपको उसे 10 मिनट रखना है, और फिर उसके बाद उसको आपको डीमोल्ड करना है। तो इस ब्रेड को अब मैं ओवन में रख दूंगी बेक होने के लिए। तो ये हमारा मॉइस्ट बनाना ब्रेड बेक होके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डीमोल्ड करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से बेक हो चुका है। ये परफेक्टली बना है मॉइस्ट बनाना ब्रेड हमारा। तो ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वो कैसे बना है। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।